मनीष जी इतना ज्यादा टूट चुके हैं कि वह मंदिर पहुंच जाते हैं अपने दोनों नतीनियों के लिए प्रार्थना करने, और मनीष जी के हाथ पकड़ के उठाती हैं दादी सा और उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मनीष जी आज पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उनकी फैमिली बिखर जो गई है और वह मंदिर भी पहुँच चुके थे प्रार्थना करने के लिए और वह काफी इमोशनल भी हो रहे थे आज। लेकिन दादी सा मनीष जी के पास मंदिर पहुँच जाती है और उनको हाथ पकड़ कर के उठाती है और मनीष जी को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा। मनीष जी अपने दिल की बात दादी साहब को बताते हैं और काफी इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है सिर्फ संजय जी की वजह से। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दादी सा संजय का सच जानने के बाद वह क्या ही करेंगी, क्योंकि यह सब किया धारा फूफा साहब का ही है। उन्हीं की वजह से आज मनीष जी की फैमिली बिखर चुकी है।